आज मैं आपको बहुत ही आसान नमकीन मटन की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये बहुत इजी टेस्टी डिश है। इसमें मैंने 500 ग्राम मटन लिया है और 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ली है, 3-4 हरी मिर्च ली है जिसे ऐसे हाफ टुकड़े कर दिए हैं। अब मैंने एक पॉट में 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं। मटन में थोड़ी फैट है इसलिए मैंने ऑयल जरा सा कम लिया है। अब मैंने तेल में 2 मिनट के लिए अदरक लहसुन की पेस्ट भून ली है और उसमें मटन को डाल दिया और सब अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला लिया। अब उसमें 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च डाल दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। सब मसालों को मटन के साथ अच्छी तरह से मिला लिया। इसमें मैंने नल्ली का गोश्त लिया है जो जल्दी से पक जाता है। अब उसमें 1 ग्लास पानी डाल दिया मटन को पकाने के लिए। अब उसका ढक्कन ढक दिया जिससे वो अच्छी तरह से पक जाए। अब उसको मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं, उसे बीच बीच में हलाते जाइए। अब देख लेते हैं कि मटन पक गया है या नहीं। ये मटन आधा पक गया है इसलिए मैंने फिर से 1 ग्लास पानी डालकर पकाने के लिए रख लिया। अब थोड़ी देर के बाद उसमें हरी मिर्च डाल दीजिए। अब हमारा मटन पकने आया है, उस वक्त मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाला है। बटर से उसका टेस्ट ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारा टेस्टी नमकीन मटन बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अब उसमें हरा धनिया डाल दिया। ये हमारा काली मिर्च वाला नमकीन मटन तैयार हो गया। बहुत बहुत टेस्टी लगता है और उसको बनाना भी बहुत आसान है। आप मेरी ये रेसिपी एक पे जरूर ट्राई कीजिए। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ी ग्रेवी भी रख सकते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि ये रेसिपी कैसी बनी है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।